साथियों नमस्कार। सभी भारतीय रेलवे कर्मचारियों का 78 दिन का बोनस भारतीय रेलवे ने दिया है और मंजूरी मिल गई है। 20/9/2019 को फाइनली रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में भारतीय रेलवे के राजपत्र कर्मचारियों को 78 डेज का बोनस दिया गया है, जिसमें प्रति माह 7,000 के हिसाब से किया गया है। कुल मिला के 17,951 रुपये बोनस हुआ है और इसकी सूचना पहले भी आती रही है, लेकिन हमारे यहाँ से सूचना तभी रिलीज होगी जब रेलवे बोर्ड इसके लिए मंजूरी दे देता है। उससे पहले उलम जुलम सूचना आती रही है, लेकिन जो फाइनली लेटर जारी हुआ है वो भी आपको हम इसमें दिखाएंगे और जो बोनस रिलीज किया गया है उसका भी एक मैसेज आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड ने जो लेटर जारी किया है बोनस के संबंध में 20/9/2019 को, हम उस लेटर का हिंदी संस्करण देखते हैं। साथ ही यह है हिंदी संस्करण। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, पत्र संख्या 6E P&A 2/2019 PLB 1RBE 1551/2019 नई दिल्ली, दिनांक 20/9/2019। महाप्रबंधक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाई आदि। विषय है वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सभी पात्र अराजकीय कर्मचारियों को उत्पादक संबंध बोनस का भुगतान। राष्ट्रपति जी, सभी पात्र अराजपत्रीय रेल कर्मचारियों के लिए रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़कर पात्रता के लिए मंजूरी कि बिना किसी सीमा के वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 78 दिनों की मंजूरी के बराबर उत्पादक संबंध बोनस के भुगतान की स्वीकृति देते हैं। जहां मंजूरी 7,000 प्रति माह से अधिक है वहां उत्पादक संबंध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी कि मंजूरी 7,000 प्रति माह ही है। नंबर दो, उत्पादक संबंध बोनस प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ली गई मंजूरी में रेल सेवा संशोधन वेतन नियम 2016 के यथा परिभाषित मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता शामिल होगा। इस मंत्रालय के समय समय पर जारी किए गए अनुदेश और स्पष्टीकरण जैसे निर्धारित पात्र की अन्य शर्तें, मंजूरी का परिकलन करने का तरीका आदि अपरिवर्तनीय रहेगा। नंबर तीन, यह भी विनिश्चित किया गया है कि उपरोक्त पैरा एक में पात्र कर्मचारियों के मामले में जो निलंबित नहीं हुए थे या जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बीच में सेवा नहीं छोड़ी थी, सेवानिवृत्ति नहीं हुए थे, मृत्यु नहीं हुई या ऐसी छुट्टी पर थे जब अनुमेय छुट्टी वेतन औसतन वेतन छुट्टी के दौरान अनुमेय वेतन से कम न हो, कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उत्पादन संबंध बोनस के रूप में 17,951 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को 17,951 रुपये का बोनस दिया जाएगा। ऊपर लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में उत्पादक संबंध बोनस की राशि की गणना विषय विद्यमान अनुदेशों के अनुसार की जाएगी। नंबर चार, इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे स्थापना संहिता वॉल्यूम फर्स्ट संस्करण 1985, पुनः मुद्रित संस्करण 2003 के अध्ययनों में यथोलिखित नियम 905 का 2, 908 और 909 उल्लिखित प्रावधानों में छूट देते हुए के वे अंशदान जो उत्पादन संबंध बोनस पाने के पात्र हैं, यदि चाहे तो अपने राज्य रेलवे भविष्य निधि लेखा में योजना के अंतर्गत स्वीकार पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा सकते हैं। पैरा नंबर चार, नियम पाँच, उपयुक्त पैरा एक में उल्लिखित सभी पात्र अराजपत्रीय रेल कर्मचारी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उत्पादन संबंध बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर पूजा दशहरा छुट्टी से पहले किया जाना चाहिए, जिस प्रकार वेतन भुगतान किया जाता है। इसे रेल मंत्रालय के वित्तीय निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है। जारी करने वाले जो अधिकारी हैं मोहम्मद सलीम अहमद, संयुक्त निदेशक संस्थान पे एंड भय सेकंड रेलवे बोर्ड। इस लेटर का इंग्लिश वर्जन भी है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो 78 दिन का बोनस दिया गया है 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से
17,951 रुपये टोटल बोनस हो रहा है और बोनस रिलीज कर दिया है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 21 तारीख को बोनस AXIRCRIS द्वारा रिलीज कर दिया गया। अमाउंट ऑफ RS 17,951 हैज़ बीन रिलीज ऑन 21 सितंबर 2019 बाय यहाँ पे अकाउंट नंबर डला हुआ है जिनका ये बोनस रिलीज किया गया है। तो इस प्रकार 21 तारीख को बोनस चालू हो गया है, देना चालू कर दिया है रेलवे ने और दशहरा से पहले देने के आदेश थे यह आपने लेटर में देखा ही था। इस प्रकार फाइनली भारतीय रेल के अराजपत्रीय कर्मचारियों को बोनस 17,951 रुपये भारतीय रेल के द्वारा दिया जा रहा है। जो उलम जुलम जो आ रही थी खबरें, जो लोग आग जल्दीबाजी में रिलीज कर रहे थे, वो इस चैनल के द्वारा नहीं किया जा सकता। जबकि जब तक कि रेलवे बोर्ड उस मंजूरी नहीं दे देता है तब तक किसी भी चीज़ को आपके सामने पेश नहीं किया जाता। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।